दोस्तों स्वागत है आपके इस वीडियो में। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बीएड से संबंधित। ये खबर ये है कि साकेत विश्वविद्यालय के साकेत महाविद्यालय के शिक्षकों ने बीएड परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। साफ तौर पे बहिष्कार कर दिया कि वो परीक्षाएं नहीं कराएंगे। मामला क्या है सब कुछ जानेंगे। एक्चुअल में उन्होंने प्रेस विज्ञापन में पत्रकारों को ये खबर दी है कि 26 तारीख से होने वाली बीएड परीक्षा का साफ तौर पे साकेत महाविद्यालय बहिष्कार करेगा। वजह क्या है, क्या है मांग, क्यों बहिष्कार कर रहे हैं साकेत महाविद्यालय के शिक्षक। और देखिए इस बार शिक्षक सामने आए हैं, मैदान में शिक्षक आए हैं। क्या है मामला, आइए पहले खबर पढ़ते हैं दोस्तों। खबर देखते हैं कि क्या है मामला इस खबर का। तो दोस्तों देख सकते हैं दैनिक जागरण की में छपी ये खबर है, आप ऊपर देख सकते हैं दैनिक जागरण अयोध्या जागरण में। मामला क्या है दोस्तों, 28 के कॉलेजों के केंद्र बनाने पर भड़के शिक्षक। केवल साकेत महाविद्यालय में 28 कॉलेजेस के बच्चे आ रहे हैं, इस बात पे शिक्षक नाराज हो गए और बीएड परीक्षा का बहिष्कार करने की घोषणा नहीं की, उन्होंने सूचना दे दी है। मामला क्या है वो देखते हैं दोस्तों, फिर इस पर बात करेंगे। पहले खबर को पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखिए, साफ तौर पर लिखा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के मनमाने रवैये के खिलाफ साकेत महाविद्यालय के शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। जी हां दोस्तों, सभी ने साकेत महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर थोपी गई 28 बीएड परीक्षा केंद्रों का बहिष्कार का फैसला लिया है। ये देखिए शिक्षक के तरफ से ये बात की जा रही है। साफ तौर पर यहाँ देखिए कि 28 परीक्षा केंद्रों की बीएड परीक्षा के बहिष्कार का फैसला लिया है। क्या मामला है दोस्तों, देखिए पहले बात क्या है। ये परीक्षाएं 28 अक्टूबर से 23 नवंबर तक चलनी है। शिक्षक ने बताया कि अभी 25 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय केंद्र पर LLB एवं BCA की परीक्षा संपन्न हुई है। अब फिर BED का परीक्षा केंद्र बना दिया। कहा शैक्षणिक सत्र 2021-22 प्रारंभ होने से लेकर अब तक लगातार साकेत में परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। वास्तव में हुआ क्या कि 25 तक तो LLB का परीक्षा थी, अब 26 से BED की परीक्षा शुरू हो गई। इस बात से उस महाविद्यालय में बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं हो पा रहा है। देखिए नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएँ हताश है। सेमेस्टर व्यवस्था लागू होने के बाद इन छात्र छात्राओं को दिसंबर से जनवरी तक की परीक्षाएँ देनी है। कॉलेज में इनकी कक्षाएं बाधित हो रही हैं। 10% पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया है और स्नातक द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष एवं परास्नातक की कक्षाओं में अभी तक प्रवेश शुरू नहीं हो सका है। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय से मांग की है कि साकेत के विद्यार्थियों की परीक्षा को छोड़कर अन्य महाविद्यालय का केंद्र वापस लिया जाए। शिक्षक का साफ क्या कहना है, इनका मांग ये है कि जो बच्चे साकेत महाविद्यालय हैं उन्हीं का परीक्षा केंद्र वहाँ पर बनाया जाए, अन्य विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र बदला जाए, अन्य विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र कहीं दूसरी जगह तय किया जाए। आगे देखिए, जन्मजय तिवारी ने पत्रकार वार्ता में परीक्षा नियंत्रक उमा नाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य एवं शिक्षकों की अकादमिक कार्य की चिंता नहीं है। कुलपति भी विद्यार्थियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो विद्यार्थी ही कुलपति महोदय पर सवाल उठाते थे, आज साकेत महाविद्यालय के शिक्षक भी कह रहे हैं कि कुलपति महोदय भी विद्यार्थियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहां इस वजह से उच्च शिक्षा पर हो रहे व्यय पर पानी फिर रहा है। कुलपति जी से सवाल किया कि क्या प्राध्यापकों का कार्य सिर्फ परीक्षा नियंत्रण का है, पढ़ाना नहीं है क्या, वो बस एग्जामिनर ही बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहिष्कार का समर्थन किया है। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी ने कहा कि गत 3 साल में संपन्न हुई परीक्षाओं का श्रामिक आज तक नहीं मिला। एक्चुअल में जो टीचर्स को पेमेंट मिलता था, मानदेय मिलता था एग्जामिनर बनने के लिए, वो 3 साल से नहीं मिला है। उन्होंने विश्वविद्यालय के दोहरे चरित्र बताते हुए यह विश्वविद्यालय प्रशासन है जो परीक्षा शुल्क विलंब से दे। देखिए बात यही है, अगर परीक्षा शुल्क कॉलेज लेट से देती हैं तो विश्वविद्यालय परीक्षाएं रद्द कर देता है, उनका रिजल्ट घोषित नहीं करता। वही बात यहाँ पे कहा गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय का दोहरा चरित्र बताते हुए कहा यह वही विश्वविद्यालय प्रशासन है जो परीक्षा शुल्क विलंब देने पर छात्रों के परीक्षा से वंचित कर देता है, पर महाविद्यालय के परीक्षा कराने के नाम पर कुछ नहीं देता। इससे शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा रोष है दोस्तों। ये देखिए, शिक्षक व कर्मचारियों के कर्तव्य और परिश्रम की अवमानना बताई।
अब इनकी मांग क्या है कि ब्याज सहित परिश्रमिक भुगतान की मांग की है। डॉक्टर बीके सिंह जी ने कहा कि विज्ञान वर्ग की थियोरी और प्रयोगात्मक की पढ़ाई पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, लैब संसाधन नहीं है, पर विश्वविद्यालय को इसकी कोई चिंता नहीं। छात्र संघ अध्यक्ष आभास यादव ने शिक्षकों के कदम का स्वागत किया है। वाह, ये हुई बात। अब सारे स्टूडेंट भी सपोर्ट्स में आ गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष आभास यादव ने शिक्षक के कदम का स्वागत किया, कक्षाएं न चली तो शिक्षक संघ आंदोलन की बात कही। ओ माई गॉड। समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने भी शिक्षकों के समर्थन का ऐलान किया। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर महेंद्र पाठक जी, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, डॉक्टर परेश पांडे जी, डॉक्टर सुचिता पांडे जी, डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी, डॉक्टर बाल गोविंद जी, अविनाश जी, डॉक्टर रवि चौरसिया जी, डॉक्टर मुकेश कुमार जी पांडे जी और डॉक्टर अनूप कुमार पांडे ने विचार व्यक्त किया। तो मामला देखिए क्या है, मामला ये है कि एक ही महाविद्यालय में 28 परीक्षा केंद्र बना दिया गया और इनका आरोप है कि पिछले 3 साल से राशि ही नहीं दी गई एग्जामिनर को, और इस पे छात्र संघ ने भी समर्थन दे दिया है। कुछ बड़ा होने वाला है कल साकेत महाविद्यालय पे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्या है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, खास तौर पे वो बच्चे जिनका पेपर साकेत महाविद्यालय का, क्योंकि वो तो परीक्षाएं कराएंगे, उनकी कोई मांग नहीं है, और साकेत वाले बच्चे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें, कल जो होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे देखा जाएगा। आपको इस खबर के बारे में पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आप कृपया करके अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इतना बड़ा फैसला है, ये 28 कॉलेजेस की बात है। हो सकता है आनन फानन में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बीच में कुछ बात हो, कुछ संबंध बने, और हो सकता है कि महाविद्यालय राजी हो जाए परीक्षाएं कराने पे। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तैयारी जारी रखें, एग्जाम देखिए होता है कि नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए 28 कॉलेजेस और साकेत महाविद्यालय ऐसा महाविद्यालय है ना कि वो जो चाहे करा सकता है, तो आप प्लीज़ पढ़ाई जारी रखिए, इन दोनों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में बात होगी और उसके बाद कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्लीज़ पढ़ाई जारी रखिए और इस पर जैसे ही कोई सूचना मिलती है आपको हर बार की तरह जेन टॉक के चैनल पे बता दिया जाएगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और प्लीज़ तैयारी आप करते रहिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में ये बात पहुंचा दीजिए। कल बहुत भारी मात्रा में बातें होने वाली हैं शायद साकेत महाविद्यालय के पास। आप अपनी पढ़ाई जरूर जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों, जैसे कोई सूचना मिल के आती है आपको बताया जाएगा और आज बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का समराइज आपको बताया जाएगा। चैनल पे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।